भी इंडस्ट्री में कोई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो, फिल्म रिलीज हो, हम रिव्यू करते हैं। लेकिन आज ये पहली मर्तबा है जब हम किसी के एक पर्टिकुलर गाने के ट्रीजर रिलीज का रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करने पर मजबूर कर दिया गया है जी। भाई करना इसलिए जरूरी पड़ रहा है क्योंकि पहली बार भोजपुरी में किसी एक गाने पर तो पहले तो 60 लाख रुपए खर्च किए गए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हर एक चीज का बकायदा ध्यान दिया गया। जैसे ही हीरोइन की एंट्री होती है और पवन सिंह का मुंडा होता है, पवन सिंह के मूव्स है, जो कुछ भी है बहुत उम्दा है, बहुत काबिले तारीफ है और भोजपुरी के लिए बहुत कुछ नया है। ये इसलिए नया कह रहे हैं कि शायद अब ऐसे ही गाने अगर भोजपुरी में आए तो भोजपुरी का कद और ऊंचा उठे। जहां भोजपुरी में 30 लाख से 50 लाख के बीच बड़ी बड़ी फिल्में बन जाती हैं, वहां एक मात्र गाना अगर 60 लाख रुपए में बना है तो समझ सकते हैं आप वो कितना उम्दा बना होगा। पहली बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं पवन सिंह की। तो भाई इसमें पवन सिंह का अंदाज काफी निराला है, हटके है और पवन सिंह देखने में भी बड़े अच्छे और हैंडसम लग रहे हैं। साथ ही इस एल्बम में जो एक्ट्रेस हैं वो भी बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही प्रिटी हैं, बहुत ही ग्लैमरस हैं। आपने अगर 90s के एल्बम देखे होंगे तो ये एल्बम देख के आपको, यानी इस एल्बम का ट्रीजर देख के आपको बिल्कुल 90s की याद आ जाएगी, क्योंकि कपड़े पवन सिंह ने वैसे ही पहने हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये गाना 21 तारीख को, यानी कि 21 सितंबर को जब रिलीज होगा तो यूट्यूब पे धमाल तो मचाएगा ही और ट्रेंडिंग तो फिक्स है भाई। इस ट्रीजर को ही हम देते हैं 5 out of 4। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।